राज्य गांजा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई में कल मुन्नागांव पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें करीब 2,10,00,000 का गांजा जब्ती हुआ है। गांजा करीब 1,050 किलो गांजा प्राप्त हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश से हरियाणा जा रहा था। आरोपी हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले हैं, जो आंध्र प्रदेश गए थे और नारियल की बीच में, नारियल को परिवहन करने की आड़ में, उसके अंदर गांजा छुपाकर आंध्र प्रदेश से हरियाणा ले जा रहे थे, जो कि कोंडागांव पुलिस के द्वारा मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ा गया। 1,050 किलो गांजा, करीब 2,10,00,000 कीमती बरामद किया गया। उनके विरुद्ध 20B NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई और दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। एक ही रास्ता हमेशा अपनाते नहीं हैं, अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। जब कहीं एक चेक पोस्ट पे पुलिस की सख्ती रहती है तो वो उस चेक पोस्ट पे गांजा प्रसार नहीं करते हैं। हमारे यहाँ हमेशा से सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, इसलिए यहाँ पे पास होने वाला गांजा की मात्रा कम है। कल जबकि ये गांजा पास हो रहा था, उससे भी से कार्रवाई करते हुए गांजे की जब्ती की गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।